हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका इन डीचेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको विश्वनाथन आनंद जी की एक और बेहतरीन गेम दिखाने जा रहा हूं, जो कि 1994 में खेली गई थी अगेंस्ट आर्थर यूसुपोव और एज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट्स। सो आइए शुरू करते हैं, जहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी के व्हाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत ई4 से की। एंड नाउ ई5, नाइट f3, नाइट c6, बिशप b5, रुई लोपेस, नाउ a6, बिशप a4, d6 एंड नाउ c3। और इस पोजीशन में मोस्ट पॉपुलर मूव है वो है बिशप d7, बट इस गेम में आर्थर यूसुपोव ने f5 खेला। नाउ पॉप कैप्चर्स ऑन f5, बिशप कैप्चर्स ऑन f5, कैसल के बाद यहाँ पे आर्थर यूसुपोव ने बिशप d3 खेल के जो d4 का आइडिया है उसको फिजिकली ब्लॉक किया। एंड नाउ रुक e1, बिशप e7, और अब अगर आपको यहाँ पे d4 खेलना है देन मोस्ट प्रोबेबली जो है बिशप c2 वो फोर्स हो जाएगा आगे चल के। सो यहाँ पे बिशप c2 आनंद जी ने खेला एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन c2 खेला गया। इन केस बिशप c2 के बाद से आप e4 के लिए ट्राई करते हो, बट देन बिशप कैप्चर्स ऑन d3, ई कैप्चर्स ऑन d3 एंड रुक e3 के बाद यहाँ पे इस पोन का कोई डिफेंस नहीं है। ऑल्दो इस पोजीशन में भी ब्लैक जो है वो क्वीन d7 एंड लॉन्ग कैसल के लिए जा सकता है, जिस केस में व्हाइट का जो अंडर डेवलप है, मतलब व्हाइट के सारे पीसेस जो है अभी डेवलप होने बाकी है। रुक भी d3 से मूव करना पड़ेगा देन d4 खेलना पड़ेगा, तो ब्लैक को थोड़ा टाइम मिलेगा और शायद यहाँ पे ये इस एक पोन को जो है कंपनसेट करता है। बट स्टिल दोस्तों पोजीशन जो है वो अनक्लियर है और पोन जो है वो पोन होता है। अगर आगे चल के यहाँ पे अगर आप कुछ कर नहीं पाए हो देन वो एक्स्ट्रा पोन के साथ विन भी किया जा सकता है। सो बिशप c2 एंड बिशप कैप्चर c2 गेम में खेला गया एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन c2 और इस पोजीशन में नाइट f6 खेला गया। इन केस क्वीन कैप्चर्स ऑन c2 के बाद से आप क्वीन d7 एंड लॉन्ग कैसल के लिए ट्राई करते हो, बट देन d4 जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सर लॉन्ग कैसल बट नाउ d5 और नाइट के पास और कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है, ओनली नाइट जो है वो b8, बट नाइट b8 के बाद आप c4 खेल सकते हो, से h6, नाइट c3, g5 और अब देखिए बिशप e3 और नाइट f6 के बाद दोनों ने अपने पीसेस डेवलप कर लिए है। बट अब आनंद जी की मूव है तो वो b4 खेल सकते हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटैक जो है वो व्हाइट का होगा, क्योंकि व्हाइट के पास दो पोन ब्रेक अवेलेबल है जिसकी हेल्प से यहाँ पर लाइन ओपन हो सकती है। बट एनीवेज गेम में क्वीन कैप्चर्स ऑन c2 के बाद एक्चुअली नाइट f6 खेला गया एंड नाउ d4 एंड यहाँ पे ब्लैक ने कैसल किया। और दोस्तों इस पोजीशन में अगर आप ये पोन विन करने की ट्राई करते हो, इससे पोन कैप्चर्स e5 एंड देन d कैप्चर्स e5, नाइट कैप्चर्स, नाइट कैप्चर्स, रुक कैप्चर्स, बट अब यहाँ पे नाइट g4 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो रही है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल f2 पे अटैक है, रुक e2 अगर आप खेलते हो, बिशप d6 जा सकता है, क्वीन h4 जा सकता है। सो मार्शल अटैक जो होता है ऐसा ही यहाँ पे कुछ सीन है। सो डेफिनेटली हमको जो है वहाँ पोन ग्रैबिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। सो कैसल के बाद एक्चुअली आनंद जी ने यहाँ पर एक बेहतरीन मूव खेली और वो मूव है दोस्तों d5। पॉइंट बिंग आप यहाँ पे पोन को कैप्चर नहीं कर सकते, अदरवाइज क्वीन b3 और ये पीस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और अदरवाइज आप यहाँ पे और कुछ भी खेलते हो, किसी भी नाइट की मूव, देन क्या होगा दोस्तों, नाइट जो है वो g5 एंड नाइट e6 जो है वो यहाँ पे जा सकती है। दूसरी ओर आपकी नाइट जो है वो यहाँ पे मिसप्लेस हो जाएगी क्योंकि नाइट को b8 या तो a5 ऐसे स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आर्थर यूसुपोव ने e4 खेला, सो एटलीस्ट ठीक है व्हाइट की नाइट g5 टू e6 जा सकती है, बट अब ब्लैक की नाइट भी जो है वो e5 टू d3 के लिए चांस ले सकती है। यहाँ पे आनंद जी ने नाइट g5 खेला एंड नाउ नाइट e5। सो दोस्तों नाइट g5 के बाद इनकेस अगर आप नाइट कैप्चर्स ऑन d5 खेलते हो, बट अब क्वीन कैप्चर्स ऑन e4 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, से नाइट f6 बैक, बट देन क्वीन e6 चेक, किंग एच एट एंड नाउ नाइट f7 में जो है आपको मिनिमम यहाँ पे एक्सचेंज मिल रहा है। सो ये पोजीशन जो है व्हाइट के लिए विनिंग है। सो नाइट g5 के बाद एक्चुअली नाइट e5 खेला गया एंड नाउ नाइट e6, सो क्वीन एंड रुक दोनों पे अटैक है, क्वीन d7। दोस्तों इस केस में अगर आप अब नाइट कैप्चर्स ऑन f8 खेलते हो, बट यहाँ पे क्वीन g4 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ ये कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप नाइट e6 बैक ले जाते हो, बट देन नाइट f3 चेक, किंग f1 और अब क्वीन कैप्चर्स ऑन g2 जो है वो यहाँ पे जस्ट विनिंग है। और दोस्तों क्वीन कैप्चर्स g2 का पॉइंट ये है कि किंग कैप्चर्स ऑन g2 देन नाइट कैप्चर्स ऑन e1 और उसके बाद यहाँ पे जो है क्वीन भी मिल सकती है एंड देन ये रुक भी जा सकता है। सो नाइट e6 के बाद नाइट f3 चेक में आप और कुछ खेलते हो, से किंग जो है उसको h1 पे खेलते हो, बट देन ऑल्सो दोस्तों क्वीन कैप्चर्स ऑन g2 जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। सो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि नाइट e6 एंड क्वीन d7 के बाद
आनंद जी ने जो है ये एक्सचेंज को कैप्चर नहीं किया, बल्कि उन्होंने पहले जो है वो नाइट d2 खेला, अब यहाँ पे e3 खेला गया। सो देखिए दोस्तों, नाइट d2 के बाद से आप यहाँ पे नाइट d3 खेलते हो, बट देन रुक कैप्चर्स e4 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉइंट बिंग के रुक कैप्चर सॉरी नाइट कैप्चर्स ऑन e4 के बाद नाइट कैप्चर्स ऑन e4 और एक्सचेंज भी जा रहा है और दूसरी ओर नाइट भी हैंगिंग है। सो आपको अपनी नाइट जो है नाइट कैप्चर्स ऑन c1 खेलना पड़ेगा, जिस केस में नाइट कैप्चर्स f8 रुक कैप्चर्स f8 या फिर बिशप कैप्चर्स f8 व्हाटएवर एंड देन रुक कैप्चर्स c1 में आनंद जी के पास जो है एक एक्स्ट्रा पोन रहेगा। सो ये पोजीशन जो है वाइट के लिए काफ़ी अच्छी है। उसी तरह से नाइट d2 के बाद से आप यहाँ पे नाइट कैप्चर्स ऑन d5 खेलते हो, बट देन दोस्तों नाइट कैप्चर्स f8 जो है अब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब क्वीन g4 इतना वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास रुक कैप्चर्स ऑन जो है e4 अवेलेबल है। सो एनीवेज नाइट d2 के बाद एक्चुअली यहाँ पर आर्थर यूसुपोव ने e3 खेला एंड नाउ रुक कैप्चर्स ऑन e3, नाइट कैप्चर्स ऑन d5, नाइट कैप्चर्स ऑन f8 एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन e3। और अब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ब्लैक को कोई भी दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों अब आनंद जी ने खेला क्वीन कैप्चर्स ऑन h7 चेक, किंग कैप्चर्स ऑन f8 एंड नाउ f कैप्चर्स ऑन e3। सो इस तरह से विश्वनाथन आनंद जी के पास एक एक्स्ट्रा पोन आ गया। इस पोजीशन में ब्लैक ने रुक e8 खेला एंड नाउ e4 d5 और दोस्तों ये गेम की जो है वो मिस्टेक है। यहाँ पे शायद e4 के बाद ब्लैक को जो है क्वीन g4 खेलना चाहिए, जिस केस में से क्वीन f5 चेक और क्वीन एक्सचेंज होते ही अब ब्लैक के किंग को कोई टेंशन नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पे व्हाइट के दो पीस जो है अभी अच्छी तरह से बाहर निकले भी नहीं है, तो शायद इस पोन को जो है विन किया जा सकता है। बट एनीवेज e4 के बाद d5 एंड नाउ आनंद जी ने खेला नाइट b3, पोन कैप्चर्स ऑन e4 एंड नाउ बिशप e3। और ऐसा लग रहा है दोस्तों अभी यहाँ पे ब्लैक को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लैक का जो मटेरियल है ब्लैक ने इक्वल कर लिया है, दोनों के पास 5-5 पोन है। बट दोस्तों दूसरी ओर ब्लैक का किंग जो है वो यहाँ पे काफ़ी वीक है। इस पोजीशन में अब आर्थर यूसुपोव ने बिशप f6 खेला, क्योंकि रुक f1 वैसे भी आ रहा था एंड नाउ रुक टू f1, नाइट g4 एंड नाउ बिशप टू d4। तो दोस्तों ये पोजीशन जो है वो ऑलरेडी व्हाइट के लिए विनिंग सी हो चुकी है। इस पोजीशन में क्वीन c6 खेला गया, बट यहाँ पे आप और कुछ भी खेलते हो पोजीशन जो है वो जस्ट वर्स है। से आप यहाँ पे b6 एंड c5 का प्लान करते हो, बट देन बिशप कैप्चर्स ऑन f6, नाइट कैप्चर्स ऑन f6 और अभी रुक कैप्चर्स ऑन f6 के बाद यहाँ पे क्वीन जा रही है राइट, और बिशप d4 के बाद से आप यहाँ पे क्वीन d5 खेलते हो, बट देन दोस्तों h3 और जैसे ही नाइट मूव होगी हम जो है इस पोजीशन में रुक कैप्चर्स ऑन f6 खेल सकते हैं। पॉइंट ये है कि बिशप कैप्चर्स f6 के बाद पॉन कैप्चर्स ऑन f6 के बाद बिशप c5 जो है वो जस्ट यहाँ पर विनिंग है। सो बिशप d4 के बाद ब्लैक ने एक्चुअली क्वीन c6 खेला एंड नाउ बिशप c5 और दोस्तों यहाँ पे लग नहीं रहा कि ब्लैक जो है कोई भी अच्छा डिफेंस कर पाएगा। से आप किंग f7 खेलते हो, बट देन क्वीन h5 एंड देन ये नाइट ड्रॉप हो रही है, और अदरवाइज दोस्तों इस पोजीशन में से बिशप टू c5 चेक के बाद अगर आप रुक जो है उसको e7 पे ले जाते हो, देन क्वीन h8 चेक और उसके बाद किंग f7 एंड क्वीन h5 में वापस से नाइट जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। सो इसीलिए गेम में क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही विश्वनाथन आनंद जी ने बिशप c5 चेक दिया इस पोजीशन में, एक्चुअली आर्थर यूसुपोव ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको विश्वनाथन आनंद जी की ये गेम और आज का ये वीडियो? आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।